सोमवार को मनी संतों का भव्य नगर प्रवेश हुआ, जहां समाजजनों ने संतों का पुष्प वर्षा कर पाद प्रसन्न कर स्वागत किया। समाजजन नाचते गाते गुरुदेव के जयकारे लगाते हुए बैंड आवाजों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचे, जहां जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ एवं मंत्री हसमुख लाल सेठ ने बताया कि इस पंच कल्याण में स्वर्धमंड इंद्र का लाभ पंकज कुमार जयंती सेठ परिवार ने लिया। प्रतिष्ठा में भाग भगवान के माता पिता का लाभ सेठ हसमुख लाल शांतिलाल जी परिवार ने लिया। कुमेर इंद्र का लाभ कोठारी विजयलाल जी परिवार ने प्राप्त किया। त्रिदिवसीय पंच कल्याण प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद जी पगरिया बिरल के सानिध्य में होगी। मुनिश्री 108 स्वयं सागर जी और मुनिश्री 108 सक्षम सागर जी का मंगल प्रवेश प्रातः 8 बजे बगोल से कुशलगढ़ नगर में हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जूना मंदिर जी प्रांगण में पहुंचे। जुलूस की भव्यता हाथी घोड़े बग्घी नगाड़े से सुशोभित रही। जगह जगह समाजजनों ने मुनिश्री की आगवानी में पुष्प वृष्टि एवं प्रात प्रक्षण किया। मुनिश्री 108 स्वयं सागर जी ने जूना मंदिर प्रांगण में पहुंचकर धर्म सभा को संबोधित किया, जिसमें मुनिश्री ने बताया कि आत्मा शाश्वत है एवं शरीर क्षण भंगुर है, इसके प्रति मोह उचित नहीं है। मुनिश्री ने प्रवचन में बताया कि अपने निजी आत्मा पर ध्यान देकर हमेशा सकारी परात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि हमें भी उनकी तरह एक संदित अर्थात मोक्ष गति को प्राप्त करें। मुनिश्री ने बताया कि हमें हमेशा यह भावना भानी चाहिए कि हमारा शरीर भी भगवान की तरह शुद्ध शाश्वत बने। हमें हमेशा अपने आत्मा से यह सवाल पूछता रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आत्मा का चिंतन मनुष्य जीवन में आवश्यक है। तत्पश्चात सभी समाजजन का शाहबुद्दीलाल जी परिवार की ओर से स्वामी वात्सल्य वाराणसी नगरी नवकार गार्डन में रखा गया। रात्रि में सौदर्म इंद्र परिवार श्रीमान पंकज कुमार जयंतीलाल जी सेठ परिवार की ओर से समस्त जैन समाज की 24 का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सभी परिवारजन के विभिन्न प्रकार के धार्मिक नृत्य प्रस्तुत किए। समाज के नन्हे मुन्ने बालकों ने जूना मंदिर के इतिहास में लघु नाटक का मंचन किया एवं समाज के बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न नृत्यों की प्रस्तुति की गई। आज सायंकाल एवं कल का स्वामी वात्सल्य सेठ पंकज कुमार जयंतीलाल परिवार कट्टू प्रतीक कुमार जी नरेंद्र कुमार जी परिवार सेठ हसमुख लाल जी शांतिलाल जी परिवार कुशलगढ़ वालों की तरफ से रहा।